अब ये हो गया, इस महिला को डांटो के दिमाग खराब सही सही कर कम बोलो। तुम ये गरीब गरीब आदमी है, देख रहे जिंदा जला दिए उसको, ये कोई तरीका है क्या? इसकी पूरी मदद हो, और अगर कोई डांटेगा, कोई पुलिस डांटेगी तो पुलिस के खिलाफ FIR लिखी जाएगी। सही से काम करो, नहीं तो तुम्हारे ही थाने में तुम्हारे खिलाफ ही दर्ज करवा दूंगा रिपोर्ट। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है ये आदमी जो पुलिस को ही जबरदस्त तरीके से हड़काया जा रहा है। कैसा है ये रुतबा जिसने खुद पुलिस की भी बोलती बंद कर दी, और उससे भी बड़ी बात, आखिर माजरा है तो है क्या? अगर आपके दिमाग में भी सवाल गूंज रहे हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं पूरी कहानी। तो ये इनको देख करके ये FIR लिखवाइए, उसकी जांच करिए। दरअसल मामला है उत्तर प्रदेश के सीतापुर का, जहां गुरुवार को सेवता क्षेत्र से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ है, जिसमें वो एक पुलिस वाले को ही नसीहत देते नजर आ रहे हैं। नसीहत है सही से काम करने की, और विधायक जी नसीहत के साथ साथ धमकी भी दे रहे हैं। धमकी पुलिस वाले को पुलिसिया एक्शन की है कि तुम्हारे खिलाफ ही मुकदमा लिखवा दूंगा। इसकी पूरी मदद हो, और अगर कोई डांटेगा, कोई पुलिस डांटेगी तो पुलिस के खिलाफ FIR लिखी जाएगी। सेवता विधानसभा के थानगांव थाने में सेवता के ही विधायक ज्ञान तिवारी थानगांव थाने के बगल में बनी गौशाला का निरीक्षण कर रहे थे। इसी दौरान थानगांव के ही रहने वाले राजू और उनकी पत्नी ने विधायक जी से शिकायत कर दी कि थाने में उनकी बात नहीं सुनी जाती। राजू का आरोप था कि उसकी मां जमुना देवी को उसकी गैर मौजूदगी में पाटीदारों ने मार कर लाश जला दी और उसको खबर तक नहीं दी, और उसकी 2 बीघा जमीन भी मां से वसीयत में अपने नाम करवा ली। वो थानगांव थाने में अपनी शिकायत लेकर पहुंचा तो वहां पर तैनात आरक्षी सतीश कुमार ने डांट कर भगा दिया। बस फिर क्या था, विधायक जी भड़क गए और सिपाही सतीश कुमार को बुलाकर जबरदस्त तरीके से डांटा। सिपाही पर भड़के विधायक जी ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारे ही थाने में तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखवा दूंगा। साथ ही थाने में मौजूद SI अजय पांडे से भी पीड़ित को जल्द से जल्द न्याय देने के निर्देश दिए। इसकी मां मरी है, इसकी मां मरी कौन दाह संस्कार करेगा? अगर आपकी मां मरे या मेरी मां मरे, कौन दाह संस्कार करेगा? हम लड़का जाएगा कि नहीं जाएगा? और इनको क्यों नहीं बुलाया गया? दादा वही तो बुला सकते, बुला के वही तो क्या कर रहे हो तुम? अब ये हो गया, इस महिला को डांटोगे, दिमाग खराब सही सही कर कम बोलो। तुम ये गरीब गरीब आदमी है, देख रहे जिंदा जला दिए उसको, ये कोई तरीका है क्या? हम अपनी किस्म जी धर्म का ही है, डांटते थे मत डांटते रहे करते हैं हमारे पास। ये गरीब महिलाओं को सुनो यार, हैं योगी राज में महिलाओं का इतना सम्मान हो रहा है और तुम महिलाओं को डांट रहे हो। ये बताने कम नहीं पहले जा रहा, क्यों कहते हो कि तुम्हारे थाने तुम्हारे खिलाफ FIR हो? घर का जनता डांटते कुछ ना, कोई सुनवा ना होते, मतलब दीवानी चल रही, जबरदस्ती भी पच्ची का छप्पर चढ़ा दी। मुमकिन ये गलत बात है, ऐसा मत करिए, हम बता दे रहे हैं, फिर तुम्हारे थाने में तुम्हारे खिलाफ FIR लिखी जाए, ये चीज ठीक नहीं रहेगा। इसकी माँ को जलाया गया, दाह संस्कार कर दिया गया, इसका खेत लिखा लिया गया, तुम्हारे सतीश उसको टाइट कर रहे थे, डांट रहे थे महिला को, तो ये इनको देख करके FIR लिखवाइए, उसकी जांच करिए। अगर इसका जब इसका लड़का जिंदा है तो उसका लड़का दाह संस्कार करेगा, अगर लखनऊ में कमाने मजदूरी करने गया, गरीब है तभी मजदूरी करने गया, तो उसको अगर बहुत तुम उसके ख्वाहिशमंद थे उसको सूचना कर देते, वो आकर के आ जाता, फिर अगर कुछ करता तो गांव भर मिल करके कर देते, जाकर तुम्हारी मदद की जाए। इसकी पूरी मदद हो, और अगर कोई डांटेगा, कोई पुलिस डांटेगी तो पुलिस के खिलाफ FIR लिखी जाएगी। ये मान लिया जाएगा उसको जलवाने से लेके फुकवाने तक उसमें संदिग्ध है। विधायक जी का ये सरपट एक्शन वाला वीडियो काफी ज्यादा वायरल है। आपका इस पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।